दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने BMW का नाम ना सुना हो। ये कंपनी आज से 105 साल पहले एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने के लिए शुरू की गई थी। आज BMW अपनी लग्जरी और प्रीमियम सुपरकार्स के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जिस BMW को आज हम प्रीमियम कार बोलते हैं, उसका इतिहास बहुत ही खतरनाक रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी के पूर्वजों का हिटलर के नाजी सेना से कनेक्शन रहा है, साथ ही उनकी वजह से World War II में कई मासूमों की जान गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी BMW के इस काले इतिहास को जानना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम BMW के इसी काले इतिहास को एक्सपोज करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, BMW की शुरुआत आज से करीब 105 साल पहले सन 1916 में जर्मनी के अंदर एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के रूप में हुई थी। जर्मनी की दूसरी पुरानी कंपनी की तरह ही BMW की भी अपनी एक डार्क हिस्ट्री है, और BMW की इसी हिस्ट्री को समझने के लिए हमें जर्मनी की मशहूर क्वांट फैमिली के इतिहास को जानना होगा, जो आज भी BMW के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्वांट फैमिली, जो आज जर्मनी के सबसे अमीर परिवारों में शुमार किए जाते हैं, आज से 100 साल पहले भी जर्मनी के सबसे मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक हुआ करती थी। दरअसल क्वांट फैमिली की इस अमीरी और रईसी की कहानी World War I से भी पहले की है, और इनकी इस वेल्थ को बनाने का सबसे बड़ा श्रेय गुंथर क्वांट नाम के इस इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही उस इंडस्ट्रियल अम्पायर की नींव रखी थी जिसके दम पर आज भी ये फैमिली जर्मनी की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक बनी हुई है। दोस्तों, गुंथर क्वांट का जन्म ब्रैडनबर्ग में रहने वाले एक ऐसे परिवार में हुआ था जो उस समय जर्मन अम्पायर में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस किया करते थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी के लिए यूनिफॉर्म बनाने का काम क्वांट फैमिली के द्वारा ही किया गया था। जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो इसकी वजह से दुनिया में एक हाइपर इन्फ्लेशन आया, जिसके चलते कंपनीज बर्बाद होकर बंद होने लगी, और इसी इन्फ्लेशन का फायदा उठाकर गुंथर क्वांट ने जर्मनी की अलग अलग बिजनेस को बेहद कम कीमत पर खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह सिर्फ 10 साल के अंदर गुंथर क्वांट ने अपने टेक्सटाइल कंपनी को कई अलग अलग कंपनीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रूड ऑयल, वेपन और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्रुप बना दिया। साल 1918 में जब गुंथर क्वांट की पत्नी का स्पेनिश फ्लू बीमारी के चलते देहांत हो गया, तो 3 साल बाद उन्होंने मागदा रिटसेल नाम की एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो उम्र में उनसे 20 साल छोटी थी। लेकिन गुंथर क्वांट की ये दूसरी शादी भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि मागदा रिटसेल ने साल 1929 में उनसे तलाक ले लिया। और आपको ये जानकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये तलाक ही गुंथर क्वांट की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। दरअसल गुंथर क्वांट की वाइफ मागदा रिटसेल उन्हें तलाक देकर जोसेफ गोएब्स नाम के एक मशहूर नाजी पॉलिटिशियन से शादी करने वाली थी, जो आगे चलकर नाजी जर्मनी के मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपोगेंडा का हेड बना था। और गुंथर क्वांट ने इस पूरे मैटर का ऐसा फायदा उठाया जिसके बारे में शायद कोई और सोच भी नहीं सकता था। दरअसल गुंथर क्वांट अपने पॉलिटिकल फायदे को सोचते हुए तलाक के दौरान अपनी पत्नी मागदा रिटसेल से अपने संबंध खराब नहीं किए, और अपनी एक्स वाइफ के इस नए रिलेशनशिप का खुले दिल से स्वागत किया। यहाँ तक कि उन्होंने इस शादी के वेन्यू के लिए अपने मेंशन को भी ऑफर किया था। खैर, मागदा रिटसेल और गुंथर क्वांट का डाइवोर्स होने के 2 साल बाद 19 दिसंबर 1931 के दिन मागदा और जोसेफ गोएब्स ने शादी कर ली, और उनकी इस शादी में जिस व्यक्ति ने बेस्ट मैन की भूमिका निभाई, वो कोई और नहीं बल्कि इतिहास का सबसे क्रूर शासक एडोल्फ हिटलर था। दरअसल गुंथर क्वांट एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता था, और इस शादी के जरिए वो ये काम करने में पूरी तरह कामयाब भी रहा। हालांकि उन्होंने हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के साथ अपने संबंधों को पब्लिक में तब तक नहीं बताया जब तक कि साल 1933 में नाजी पार्टी इलेक्शन नहीं जीत गई। ये इलेक्शन जीतकर हिटलर सत्ता में आ गया और गुंथर क्वांट उसके सबसे बड़े सहयोगियों में से एक बन गया। इसके बाद हिटलर ने गुंथर क्वांट की कंपनीज और फैक्ट्रीज का इस्तेमाल युद्ध के हथियार बनाने में किया। उस समय गुंथर क्वांट की सबसे कामयाब फैक्ट्री आफा थी, जो कि एक बैटरी बनाने का काम करती थी, और नाजी सेना की सबमरीन, टैंक और यहां तक कि V2 रॉकेट जैसे हथियार बनाने में आफा की उन्हीं बैटरियों का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, गुंथर की इस सेवा को देखते हुए साल 1937 में हिटलर ने उन्हें वॉर इकोनॉमी का लीडर बना दिया, और इसी के चलते दूसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में जब हिटलर ने अपना विजय अभियान शुरू किया, तब नाजी सेना द्वारा सीज की गई यूरोपियन कंपनीज को हथियाने में गुंथर क्वांट सबसे आगे रहे थे। इसके बाद दोस्तों 1941 में गुंथर क्वांट की इन फैक्ट्रीज के अंदर बंदी बनाए गए लोगों से काम करवाना शुरू कर दिया गया, और कुछ ही समय में गुंथर की ये फैक्ट्रीज अपनी क्रूरता के लिए पूरी जर्मनी में फेमस हो गई, जहां लोगों से हद से ज्यादा बुरे हालातों में काम करवाया जाता था।
कहते हैं कि गुंथर की आफा फैक्ट्री में एक बार काम के लिए जाने वाला कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 महीने ही जिंदा रह पाता था, क्योंकि फैक्ट्री के बेहद खराब हालातों और बिना किसी प्रोटेक्शन की वजह से लेड पॉइजनिंग जैसी चीजों का शिकार बनकर लोग वहां काम करते करते ही दम तोड़ देते थे। दोस्तों, गुंथर क्वांट ने इस फैक्ट्री को संभालने की जिम्मेदारी अपने बेटे हर्बर्ट क्वांट को दी हुई थी, जिन्होंने अपने पिता के बिजनेस को बहुत कम उम्र में ही ज्वाइन कर लिया था और अपने पिता की तरह वो भी नाजी पार्टी के मुख्य मेंबर्स में से एक हुआ करते थे। जब तक हिटलर और उसकी नाजी पार्टी सत्ता में रही, तब तक गुंथर और उनके बेटे हर्बर्ट का सुनहरा दौर चलता रहा। लेकिन उनका ये गोल्डन पीरियड ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जब हिटलर की सेना मित्र राष्ट्रों के सामने झुकने लगी तो एक एक करके गुंथर क्वांट की सभी फैक्ट्रीज अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के सिपाहियों के कब्जे में आने लगी। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि हिटलर और उसकी नाजी सेना का अंत होने के साथ ही गुंथर क्वांट और उनके बिजनेस अंपायर का भी अंत हो गया होगा। लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि हिटलर के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक होने के बावजूद भी गुंथर क्वांट और उनके बेटे को कभी दोषी साबित नहीं किया जा सका। दरअसल हिटलर की सेना ने जब सरेंडर किया तो अमेरिकी सिपाहियों ने गुंथर क्वांट को मूसबर्ग के एक ऐसे कैंप में डाल दिया जहां जर्मनी के उन लोगों को कैद किया गया था जिस पर नाजी पार्टी के सहयोगी होने का शक था। लगभग 1.5 साल तक कैद में रखने के बाद गुंथर को इस कैंप से रिहा कर दिया गया, क्योंकि उस समय अमेरिकी सिपाहियों को उनके खिलाफ कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं मिल पाए जो गुंथर और नाजी सरकार के बीच किसी भी तरह के लिंक को साबित कर पाते। और ऐसा ही कुछ गुंथर के बेटे हर्बर्ट के साथ भी हुआ, जिसको ब्रिटिश सिपाहियों ने पकड़ने के बाद सिर्फ कुछ ही हफ्तों में रिहा कर दिया था। असल में दोस्तों, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद मित्र राष्ट्रों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी जर्मनी की इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाना था, और उनके अनुसार गुंथर व हर्बर्ट जर्मनी के उन लोगों में से एक थे जिन्हें जर्मनी की इकोनॉमी की खातिर रिहा करना सबसे ज्यादा जरूरी समझा गया। दोस्तों, उस समय सिर्फ गुंथर और हर्बर्ट ही नहीं बल्कि जर्मनी के और भी बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन पर नाजी पार्टी के सहयोगी होने का शक था, और उन सभी को जर्मनी की इकोनॉमी की खातिर रिहा कर दिया गया। इसके बाद साल 1954 में गुंथर क्वांट का जब देहांत हो गया तो परिवार की सारी वेल्थ उनके बेटे हर्बर्ट क्वांट के हाथों में आ गई, और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उस समय घाटे में चल रही कंपनीज को कम कीमत पर खरीदना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि BMW को भी उन्होंने अपनी इसी स्ट्रेटजी के तहत खरीदा था। दरअसल वर्ल्ड वॉर टू की वजह से जर्मनी की ज्यादातर कंपनीज की तरह BMW भी उस समय स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि युद्ध के दौरान BMW की बहुत सी फैक्ट्रीज बम से उड़ा दी गई थी और साथ ही इस कंपनी के कार बनाने पर भी रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते BMW सन 1952 तक कोई भी कार प्रोड्यूस नहीं कर पाई और कंपनी को अपना खर्चा निकालने के लिए किचन इक्विपमेंट बनाकर बेचने का काम करना पड़ा। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर देखें तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद BMW की हालत बद से बदतर हो गई थी, और साल 1959 तक आते आते कंपनी बैंकक्रप्ट होने की दहलीज पर पहुंच गई थी। लेकिन तभी हर्बर्ट क्वांट ने BMW को खरीद लिया और उनके ऐसा करने की वजह से ही ये कंपनी डूबने से बच गई थी। इसके बाद साल 1962 में कंपनी ने अपनी न्यू क्लास सीरीज BMW 1500 कार को लॉन्च किया, जिसने मार्केट में आते ही धूम मचा दी। इसलिए इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि BMW आज जिस भी मुकाम पर है उसका सबसे बड़ा श्रेय हर्बर्ट क्वांट को जाता है। लेकिन साथ ही इस फैक्ट को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि BMW को बनाने में जिन पैसों का इस्तेमाल किया गया वो हर्बर्ट क्वांट और उनके पिता गुंथर क्वांट के द्वारा युद्ध की मुनाफाखोरी से कमाया गया था, और उस पैसे को कमाने के पीछे ना जाने कितने बेगुनाह और मासूम लोगों की जान ली गई थी। दोस्तों, ये बड़ी हैरानी की बात है कि क्वांट फैमिली अपनी इस डार्क हिस्ट्री को आम लोगों से हमेशा छिपाती आई है। लोगों को उनकी इस हकीकत के बारे में पहली बार तब पता चला जब साल 2007 में उनके परिवार पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर रिलीज की गई। इसके बाद से क्वांट फैमिली लोगों के सामने कई बार अपना सार्वजनिक माफीनामा पेश कर चुकी है। अब दोस्तों, आज के समय की अगर बात करें तो 100 साल पहले की तरह ही अभी भी क्वांट फैमिली जर्मनी के सबसे अमीर परिवारों में शुमार किए जाते हैं, जिसमें हर्बर्ट क्वांट की बेटी सुजैन क्लेटन $29 बिलियन की नेटवर्थ के साथ आज जर्मनी की सबसे अमीर महिला कहलाती हैं। वहीं हर्बर्ट क्वांट के बेटे स्टीफन क्वांट BMW के सबसे बड़े सिंगल शेयर होल्डर हैं, जो इस समय BMW के 29% शेयर्स के अकेले मालिक हैं। क्वांट फैमिली की हिस्ट्री सामने आने के बाद आज बहुत से लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ही बताइए कि किसी परिवार के पिछली पीढ़ियों द्वारा किए गए गुनाहों के लिए उनकी आज की पीढ़ी को सजा देना या उन्हें क्रिटिसाइज करना आखिर किस हद तक सही है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।